ताकि आप समझ पाए कि कोरोना जैसे लंबे वक्त के बाद पिछले साल से इतर इस बार लोगों ने माता को धन्यवाद बोलते हुए छठ मनाया है। कम से कम जय इन तस्वीरों को देख के तो लग ही रहा है कि बस आशीर्वाद प्रकृति का ऐसे ही बना रहे, क्योंकि इसी की कामना तो की जाती है छठ में। बिल्कुल, और देखिए ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं और छठ की छटा हर तरफ एक जैसी है, चाहे लखनऊ की आप बात कर लीजिए, प्रयागराज, आजमगढ़, इसके साथ साथ बिहार से भी तस्वीरें आई हैं, दिल्ली, पटना, नोएडा, वाराणसी, चंदौली, हर जगह पर एक जैसी तस्वीर है। जहाँ पर लोग, नोएडा की देखिए तस्वीर, जहाँ पर स्विमिंग पूल में लोग भगवान को अर्घ दे रहे हैं, भगवान सूर्य को, वहाँ पर भी आस्था, वहाँ पर भी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है जहाँ लोग घाटों पर जैसे जिस आस्था के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। तो यही इस पर्व की खासियत है कि मन में श्रद्धा हो, भावना हो, तो ये व्रत अपने आप में अनूठा हो जाता है। और आस्था के महापर्व की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, क्या इस वक्त रौनक है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें कोविड के समय में घाट वीरान थे। बिल्कुल जया, वो तो वक्त नहीं कोई याद करना चाहता है, क्योंकि ये खुशी मंगल का ऐसा त्यौहार है। और चलिए नीतीश के पास चलते हैं, काशी से बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें आई थी, लोगों ने बताया था किस तरीके से अखंड सौभाग्य के लिए ये सिंदूर लगाते हैं। चलिए नीतीश आपके पास आते हैं और आप जरा तस्वीरों को दिखाइए, बातचीत कीजिए लोगों से, और इस बार जरा पूछिएगा कि यहाँ से जाके क्या रात भर लोग जागते हैं, गीत गाते हैं, क्योंकि कल सुबह फिर 3 बजे आना है। निश्चित तौर पे इसने अलग था। और आप देखिए घाट पर लोग जमे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और तो अब देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची है और पूरी रात जगी रहती है। हाँ, जागरण तो होता है बेटा, लेकिन व्रत हम नहीं रहते हैं, बहू बेटी रहती हैं, सब लोग बड़े विधि विधान से। रात भर घाट पे रहते? नहीं, रात भर तो घाट पे नहीं रहते, घर पे ही जाते, घर पे चले जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि घर पे जब जाती हैं तो क्या क्या करती हैं? घर पे जाते हैं तो यही पूजा पटिया गाना बजाना रहती। हाँ, जागरण होता है। इस पूरे व्रत में एक कोसी एक भरने की कहते हैं कि एक विधान है, ये व्रत का बहुत बहुत उठा है, जैसे कि बड़ी कठिन का व्रत है भैया, व्रत इतने कठिन है कि कहने योग्य नहीं, कठिन व्रत। हाँ, बहुत कठिन व्रत है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं स्नेहलता, थोड़ा और नीचे उतरते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत हो जाए और जो कोई विधान है